Hello everyone. Uh, so, in the last lecture, we were discussing about uh, structure of atoms. And structure of atom, uh, we were discussing about how we can um, like, uh, say.

ओके okay, जो एन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसके हमने बात की एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल ओके उसके अलावा जी एच हो सकता है लेकिन एफ इज सफिशियंट फॉर अस बिकॉज उससे फर्दर कोई एलिमेंट हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ही हैं ओके सो एस पी और डी एफ ऑर्बिटल का हमने सेप पढ़ा एस का मैंने आपको बताया था स्फेरिकल सेप होता है पी का हमारे पास कैसा होता है डम्बल और डी का डबल डबल सेप होता है तो एस पी और डी के सेप्स पढ़े। आज हमें जो पढ़ना है पहले बच्चों वो है कि क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं सो टूडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ठीक है हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में उसी से हमारे पास क्या बनता है पहले बच्चों उसी से हमारे पास बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे पहला जो रूल है हमारे पास उसको बोलते हैं बेटा आउ बाउस रूल्स ठीक है अभी आउ बाउस रूल्स क्या है आउ बाउस रूल्स जो है ये हमारे पास रूल है जो हमें बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या फिर कौन सा पर्टिकुलर आपके पास सबसेल है उसके अंदर या फिर कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा अबो का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग अप क्या होता है बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप का मतलब क्या है बिल्डिंग अप का मतलब है पहले बच्चों कि हमारे पास सबसे पहले जो ऑर्बिटल फिल होगा वो लोअर एनर्जी वाला फिल होगा उसके बाद उससे हाइयर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है वो फिल होगा सो अब रूल्स क्या कहता है द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल और द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल टेक्स प्लेस इन अ वे दैट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फील्ड फर्स्ट मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है कि भाई जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है ना उसको पहले भरेंगे उसके बाद हमारे पास जो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसको बाद में भरेंगे जैसे हमारे पास आप लोगों को पता है फर्स्ट सेल और दूसरी सेल के लिए सिर्फ वन एस ऑर्बिटल लाई कर सकता है और एस ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिर हमने बताया था कि हमारे पास क्या होता है अभी टू एस और टू पी होता है फिर हमने बताया था हमारे पास क्या होता है थ्री एस थ्री पी और थ्री डी होता है थिर थिर फिर हमारे पास 4s, 4p, 4d और 4f होता है ठीक है एस पी डी एफ हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसेल के बारे में वन टू थ्री फोर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी लेवल के बारे में ओके फिर हमारे पास क्या होता है फाइव एस हो सकता है फाइव पी हो सकता है फाइव डी हो सकता है फाइव एफ हो सकता है फाइव जी भी हो सकता है उसे हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करते हैं 6s एस एंड दैन सिक्स पी एंड दैन सिक्स इसके अलावा हमारे पास सॉरी 6t के अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं बेटा इसके अलावा 6f भी हो सकता है 6z भी हो सकता है लेकिन अगेन क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 5f तक ही जाते हैं और सिक्स तक ही जाते हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे फिर हमारे पास बात आती है सेवन की और सेवन की नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो सबसे कम एनर्जी वाला है या फिर जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसके एनर्जी सबसे कम होती है भाई जिस समय हमने एनर्जी को डिस्कस करा था उस टाइम मैंने आपको दो रूल बताए थे एक तो आपने देखना है एन प्लस एल वैल्यू एन क्या है यहाँ पे एन हमारे पास है एनर्जी लेवल ठीक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या फिर लेवल और एल हमारे पास क्या है एल हमारे पास है सबसेल तो हमें देखने कौन से एनर्जी लेवल में और कौन से में इलेक्ट्रॉन है प्लस एल वैल्यू अगर कम है तो उसकी एनर्जी कम एन प्लस एल वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके थे इसके अलावा अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमें एन की वैल्यू देखनी है अगर एन की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम एन की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा तो हमारे पास क्या होता है जो वन एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल फिल होता है अभी वो है वन एस ठीक है और वन एस के बाद हमारे पास आता है टू एस ठीक है और टू एस के बाद टू पी और टू पी के बाद थ्री एस थ्री एस के बाद हमारे पास आ जाती है बात थ्री पी की थ्री पी के बाद फोर एस नाउ थ्री फोर एस और थ्री डी में मैंने आप लोगों को बताया भी था हमने आप डिस्कस भी करा था फोर एस में एन प्लस एल की वैल्यू क्या है फोर प्लस जीरो इस केस में क्या है भाई ये हमारे पास थ्री है और डी की वैल्यू क्या होती है एस पी डी आप लोगों को याद है एस पी डी एफ जीरो वन टू थ्री तो थ्री प्लस कितना आ गया हमारे पास थ्री प्लस टू फाइव तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी इसकी एनर्जी कम रहेगी क्योंकि इसकी फोर वैल्यू आ रही है उसकी फाइव आ रही है एन प्लस एल वैल्यू तो ऐसे हम लोग फिलिंग करते हैं ओके इन दिस वे वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से हम जाएंगे 3d पे 3d से 4p पे 4p पे 5s पे ओके और 5s से हमारे पास आएंगे हम लोग 4d 4d से 5p 6s और 6s से 4f 5d 6p 7s एंड देन फर्दर 5f 6d 7p तो ऐसे हमारे पास जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन की वो रहेगी क्योंकि ऑर्बिटल जो है उसके एनर्जी सबसे कम है इसीलिए फिल होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा भी सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस वन फिर उसके बाद हीलियम क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन एस टू फिर उसके बाद लिथियम क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस वन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1s2 के बाद 2s1 मतलब 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में 2s के बाद 2p में 2p के बाद 3s में 3p में एंड देन 4s में नॉट इन 3d ठीक है तो फिर 4s में जाएगा फिर उसके बाद 3d में जाएगा देन 4p एंड 5s तो ऐसे हमारे पास फिलिंग होती है और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अगर आप इस ऑर्डर को ऐसे मेमोराइज नहीं कर सकते तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यू विल डू वन थिंग आप एन प्लस एल वैल्यू जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की कम उसकी एनर्जी कम ठीक है और अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो आपने देख लिया एन की वैल्यू एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एनर्जी लेवल एन की वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी कम है हमारे पास सो दिस इज अबाउट वेरी फर्स्ट रूल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज अब रूल नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू रूल्स आर मोर लेस अबाउट हाउ वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स अगेन तो जो नेक्स्ट टू रूल्स है हमारे पास वो है बेटा उसके बाद हमारे पास जो रूल है वो है ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल हमें बताता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में फिल होते हैं जैसे अगर मैं बात करूं वन एस की तो भी वन एस में तो ईजिली इलेक्ट्रॉन आएंगे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं अभी टू ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं टू पी की ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं टू पी की टू पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं तीन डी के अंदर पांच और एफ के अंदर सेवन क्यों क्योंकि पी में वैल्यू कितनी होती है अभी किसकी एल की वन वैल्यू होती है तो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं माइनस वन जीरो प्लस वन किसकी वैल्यू होती है ये मैग्नेटिक की जो मैं बताता है कितने ऑर्बिटल हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ठीक है तो तीन ऑर्बिटल लाई कर सकते हैं अब मैं इसको अलग अलग तरीके से फिल कर सकता हूं मान लिया मुझे दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे फिल कर दूं भाई एक तरीका तो ये है मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे अलग अलग फिल कर दूं ऐसे ही मान लिया मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे फिल कर दूं ठीक है अब आप सोच रहे हो कि सर मैं इसको यहां भी फिल कर सकता हूं यहां भी हाँ कर सकते हो दिस टू आर सेम थिंग ओके तो मैं इसको या ऐसे फिल कर सकता हूँ थ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकता हूँ भाई मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर सकता हूँ हम चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं नाउ कौन सा जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स का वो सही है ह्यूम्स रूल ने बताया कि हमारे पास जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिटल में वो ऐसे रहेगी कि पेयरिंग जो है पेयरिंग मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उस टाइम आएंगे जिस टाइम हर एक ऑर्बिटल के साथ मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी अब यहां देखिए तो अगर मैं बात करूं पहले केस की 2p की जिसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है 2p में वैसे छह इलेक्ट्रॉन आ सकते में तो मैंने ऐसे लिखा पहले ठीक है और दूसरी बार कैसे लिखा ऐसे तो ये रॉन्ग मेथड है भाई क्योंकि मैंने पहले ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख दिए मैं क्या कह रहा हूं जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में हमारे पास क्या ना आ जाए हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तो हमारे पास पहला दूसरा और तीसरा ऑर्बिटल अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो भाई हम यहां नहीं कहां फिल करेंगे यहां फिल करेंगे So, तीन इलेक्ट्रॉन के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है अब अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हम यहां फिल कर सकते हैं यहां भी यहां भी फिल कर सकते हैं सेम थिंग। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे और सिक्स इलेक्ट्रॉन यहां पे। सो अकॉर्डिंग टू हिड्स रूल ऑफ मैक्सिम मल्टीप्लिसिटी क्या है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल will takes place only after the only after uh, there is only after if there is a single electron in each orbital मतलब हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसी के बाद पेयरिंग पॉसिबल है किसके इलेक्ट्रॉन्स के ओके सो दिस इज अबाउट ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास वो क्या है प्यारे बच्चों वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास है थर्ड रूल और बहुत ही सिंपल रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि भाई हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी एक ऑर्बिटल में उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते सो so, क्या है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कि भाई हमारे पास जो चारों क्वांटम नंबर्स है ना उन चारों क्वांटम नंबर्स को हम सेम नहीं कर सकते अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो जैसे अगर मैं बात करूं भाई वनएस ऑर्बिटल की वन एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर एन की वैल्यू वन है पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें एल की वैल्यू जीरो है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एन की वैल्यू वन है एल की वैल्यू जीरो और एन की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस एल टू प्लस एल और जीरो माइनस जीरो जीरो है लेकिन इस केस में जो वैल्यू सिमिलर नहीं है वो क्या है स्पिन क्वांटम नंबर एक की स्पिन तो भी प्लस हाफ रहेगी और दूसरे की स्पिन क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज ऑलवेज डिफरेंट तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपवर्ड है तो एक की स्पिन क्या रहेगी डाउनवर्ड रहेगी सो दिस इज अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो दीज आर थ्री रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स नेक्स्ट okay. टॉपिक हमारे पास है पहले बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ओके एवरीबॉडी थैंक यू सो मच